हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो भी पर्सन है, वो काफ़ी हद तक है ना आपको इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एकदम ऐसी एनर्जी है ना कि जैसे आप साथ हो, आप बात कर रहे हो, एक अजीब सा क्लोजनेस है, और उसमें ना एक जस्ट जस्ट अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है, एक एक साथ बोलते ना, एक साथ बोलते हैं, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है। जैसे ना आपके साथ होना, ये जैसे एकदम कंपेनियनशिप है, वो जो कंप्लीट करता है, एक रिलेट होने का मतलब बनता है। वरना ऐसा लगता है ना कि अभी जितने भी रिश्ते देखे हैं वो सिर्फ होने के लिए है, होने के लिए खुद के रिश्ते हैं, होने के लिए दोस्ती के रिश्ते हैं, होने के लिए इनकी हो सकता है कि कमिटेड हो, शादी हो, जो भी है, बट उनमें वो बात नहीं है, उनमें वो बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते झूठे हैं, बट जिन जो एक सच्चाई, एक प्योरिटी या फिर एक कम्प्लीशन ऑफ इमोशंस, मतलब एक कम्प्लीशन, ये जो आपके रिश्ते में है, आपके साथ है, वो कहीं पे फील ही नहीं हुआ, कहीं पे फील नहीं हुआ। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, लाइक नो एक्सेप्ट पेरेंट्स और वो सब चीज़ें, तो इनका बहुत ज़्यादा मन में ना कंपैरिजन चल रहा है कि आप होते तो कैसा होता, आप होते तो ऐसा होता, आप थे तब कैसा था आप, मतलब एक कंपैरिजन है अजीब सा। और काफ़ी वक्त से ना मुझे एक जैसे फुल मून की एनर्जी से क्या फील हो रहा है कि इनको ना जो भी फील हो रहा है वो मतलब उनको समझाने के लिए हो रहा है। जैसे किसी चीज़ का क्लियर होना, किसी चीज़ का कंपेयर होना, सच झूठ का पर्दाफाश होना वगैरह, हर चीज़ ना हो रही है। पॉसिबल इनके लाइफ में अचानक से टावर सिचुएशंस हो, कोई अपनों का लॉस होना हो, या फाइनेंशियल लॉस होना हो, या फिर किसी के सच सामने आना हो, या कुछ भी है, जो जो भी हो रहा है। और स्पेशली ना अकेले पड़ जाना, यू नो कहीं से भी मदद ना मिलना, वो सब चीज़ें ना अकेले पड़ जाना, यू नो वो चीज़ें ना वो काफ़ी हद तक इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ इशारा कर रही हैं कि चाहे ना चाहे यूनिवर्स उनको कुछ दिखाना चाहती है, वो समझाना चाहती है। 2 नंबर प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट हुआ है, इनके इनिशियल्स डी हो सकते हैं, सी हो सकता है। एक कार्मिक साइकिल है ना, वो कंप्लीट होते होते रह गया, जैसे पूरी रिंग बनते बनते जैसे रह गई हो, ये मुझे फील हो रहा है कि इतना आसान नहीं है आपका रिश्ता, इतना आसान नहीं है। और स्ट्रांगली ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे उनके साथ, जो फील हो रहा है ना कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ये आपको फील होता है, आपको सपने में आता है, क्योंकि वो इंसान आपको लिटरली बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है कि मतलब आप होते तो ऐसा होता, कोई बारिश का मौसम है, कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई कपल देखे हैं, तो वो सारी चीज़ें तभी पता चलता है कि आप होते तो क्या था, चीज़ें ही अलग थी।
या आप हो सकते तो क्या था, चीज़ें ही अलग थी, ऐसे वाला चीज़। अचानक से जो रिंग बन नहीं रही थी, काफ़ी दूर थी, अचानक से बन गई है। और यस, अभी एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, और मुझे एक प्रपोजल की एनर्जी नज़र आ रही है। एंगेजमेंट प्रपोजल, इनकी तरफ से ना कुछ ऑफर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कांटेक्ट होने के। लाइक ना, सिचुएशन अगर ब्लॉक है काफ़ी टाइम से भी, तो होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जे जे से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है। इन ये एनर्जी में, उनकी साइन से ज़्यादा ना मुझे ये एनर्जी में मुझे वर्गो साइन और स्कॉर्पियो साइन ये काफ़ी ज़्यादा दिखी है। वर्गो साइन, स्कॉर्पियो साइन और वर्गो कॉप स्कॉर्पियो, कन्या राशि और वृश्चिक राशि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। दो राशि एकदम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। इनकी राशि हो सकती है, बट इन राशियों का प्रभाव इस एनर्जी पे बहुत ज़्यादा है, भले उनकी साइन कोई भी हो। पॉसिबल है इनको ना निगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, निगेटिव ड्रीम्स। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है पता नहीं, बट और सेम वे आपको भी ड्रीम आ रहे हैं, इनके साथ कुछ हो रहा है, ये साथ में है, ये कहीं दूर बैठे हैं, खामोश है, तकलीफ़ में है, ऐसा कुछ। लाइक कुछ लोग केसेस में लिटरली ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कुछ ड्रीम आए होंगे। एक अजीब सा कनेक्शन यूनिवर्स बैठाना चाहती है। आप भूलना चाहते हो, वो भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ है। चलो, झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो नहीं सकता। हो सकता है ना क्या, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोच, कितना भी बड़ा डिफरेंस हो, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने समझ लिया है कि चलो कुछ हो नहीं सकता, वर्कआउट होना, क्या क्या मतलब है, क्या मतलब चीज़ है। बट समाव ना कुछ खींचता है, एक सोल लेवल पे खींचता है। सबसे बड़ी चीज़ है ना, दोनों के मन में एक सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या है, क्यों है इतने सारे प्रॉब्लम, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने सारे लाइक ना इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस, कितना अलग अलग है, सोच भी अलग है कुछ लोग की। तो ये क्या जोड़ रहा है, लाइक कॉमन क्या चीज़ बोल रही है, लाइक कॉमन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, प्यार है, ये कॉमन है। वो किसी चीज़ का ऐसा मोहताज नहीं है कि भाई ऐसा ही 1+1 2 नहीं है, वन यहाँ पे 1+1 11 की एनर्जी, मुझे 1 एंड 1 11 की एनर्जी फील हो रही है। पॉसिबली आपको 11 11 जो नंबर आपको दिख रहा हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी तरफ से। ऐसा लगता है ना, आपने काफ़ी टाइम से ना ये सब करना छोड़ दिया। आप एक्चुअली आप है ना, इनसे ज़्यादा ना आप ये रीडिंग देखना वगैरह, इट जस्ट हैपन, बट आपका अभी फिलहाल फोकस ना अपने ऊपर है। काफ़ी टाइम से ना आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहे हो, लाइक गाइडेंस मिलता है, आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहे, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही, तो उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है। और तकलीफ इस बात की है कि चीज़ें बदल नहीं रही है, चेंज कुछ हो नहीं रहा है, वैसे वैसे सिचुएशन चल रही है, दिनों हो गए, महीने हो गए, ऐसा है। कुछ केसेस में सालों साल हो रही है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें कि चेंज आप में आया है, सिचुएशन भले ना चेंज हो, इनकी तरफ से मूवमेंट ना हो, अनब्लॉक सिचुएशन ना हो, बट आप में एक अजीब सा चेंज आया है, आप में अजीब सी स्टेबिलिटी है। पहले जितना आप, जितना एंग्जाइटी लेवल का एक अलग ही था, उतना नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हो। अनजाने में सही एक हीलिंग प्रोसेस आपकी तरफ आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी तरफ से ना कुछ मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा है ना कि कुछ बताना है आपको, कुछ शेयर करना है आपको, बस देखना है, आपकी आवाज़ सुननी है, क्योंकि इनडायरेक्टली सही आप उनके लिए हीलर हो, आप की तरफ से उनकी हीलिंग एनर्जी मिल जाती है। पहले कभी सोचा नहीं था, पहले कभी समझा नहीं था, लेकिन ये हो रहा है अभी। इनको ना एक एक अजीब सा कोरिलेशन बैठता है कि जब ये इस इंसान के साथ था तो मुझे वो ये गलत नहीं होता था, ये सही होता था, ये मुझसे करवाता था या करवाती थी, ये ऐसे प्रोटेक्ट करता था या करती थी, और वो सब चीज़ें कोरिलेट हो रही है।
तभी उस चीज़ को शायद उन्होंने नज़रअंदाज किया, समझा ही नहीं वो सब चीज़ें, बट अनजाने में सही आप उनको प्रोटेक्ट करते थे, आप उनको हील करते थे, ये सारी चीज़ें उनको अभी रिलेट कर पा रहे हो। मतलब वो जैसे मैंने कहा ना कि यूनिवर्स ही कुछ लाइक कर रही है कि जैसे एक दूसरे को एहसास करवाना कि भाई तुम लोग दोनों अलग नहीं हो, एक हो, एक दूसरे के लिए हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है जहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज बहुत ज़्यादा एक चीज़ फील हो रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन पहले हम खुद को समझें, खुद को हील करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो फील हो रहा है अभी, इनको अपनी तरह से समझाया जा रहा है, आपको अपनी तरह से समझाया जा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो जैसे मैंने फील किया ना कि ये काफ़ी ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सरदर्द की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हो सकता है ना किसी से आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। मतलब इंसान कुछ और ही थॉट प्रोसेस में होता है और कुछ और ही सोच में है, उसका अलग ही अपना लेवल का टेंशन है, और कोई दूसरी चीज़ों के लिए जब उसे परेशान करता है जो लिटरली उनके लिए नहीं मायने रखती, तो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि किसी कहीं पर शिफ्ट होने के प्रोसेस में है। इच्छा तो है कि वो लुकिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ है, स्पेशली शिफ्ट या लोकेशन चेंज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इनका कहीं ना ईगो हर्ट हुआ है, जो ईगो भले वो रियल हो या फॉल्स हो, ये झूठा ईगो हो या सच्चा ईगो हो, बट ये कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है कि मैं नहीं होता, हम होते हैं, मेरा प्रॉब्लम, मेरी सिचुएशन, मेरा प्यार, ये नहीं है, हमारा प्यार है, हमारा प्यार। ये जो कंसिडरेशन इन्होंने कभी किया नहीं था, उनको लगा मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे समझो वाली चीज़ थी, तो अभी वो चीज़ें बदल रही है। फाइनेंशियल प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह से मैंने लॉस की ना कि लॉस तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लॉस है, कुछ ऐसे चीज़ें हो रही है ना जहाँ पे ना अकेला पढ़ा जा रहा है, अकेला किया जा रहा है इंसान को, ताकि कुछ चीज़ें समझे कि कुछ चीज़ें ना प्रैक्टिकल लाइफ में जब बदलती है ना, और वो भी अनजाने में से ही या अचानक से, तब रिश्ते अपना रूप बदलते हैं, और जो प्यार होता है ना, वो प्यार वो नहीं बदलता, वो चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि आपने कभी उनको डांटा नहीं होगा या समझाया नहीं होगा, कोई एडवाइस नहीं दिए होगा, बट तभी वो लगता है ना कि यू आर थिंकिंग लाइक टू मच इमोशनली वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों में हमेशा से दम था, हमेशा से दम था, भले आप जो भी प्यार भी करते ना उसमें अजीब सा एक हीलिंग था, एक अलग ही वाइब थी, अभी वो चीज़ समझ में आ रही है। तो इनकी तरफ से मूवमेंट जैसे मैंने कहा ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सन की एनर्जी निकल रही है, ये काफ़ी टाइम ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बार सन की एनर्जी निकल जा रही है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। तो इंसान अपनी, मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि सोशल फियर भी है, हो सकता है कि मैरिड हो सकता है कि पेरेंट्स का स्टेटस या इनका स्टेटस ऐसा कुछ हो, जो सोशल फियर है जो उनको डिसीजन लेने के लिए, बट कहीं पे ऐसा हो रहा है ना कि वही वही पे तोड़ा जा रहा है, वही पे तोड़ा जा रहा है। चीज़ें इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती जितना हम समझते हैं, और चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होती जितना हम समझते हैं। तो इसको ना थोड़ा एक सही लेवल से ढंग से समझना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ के लिए एडवाइस है आपके लिए स्पेशली कि शांति रखिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस से ज़्यादा अपनी मेडिटेशंस पे ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके ड्रीम्स आते हैं, सब कुछ है, ठीक है कि सेंड देम द लव वाइब्रेशंस, वो वाली एनर्जी है, क्योंकि सोल कनेक्शन जब होता है ना तो एक दूसरे को संभालना भी एक बात होती है। चलिए मान लीजिए कि
जो भी आप बोले कि बैड लक हो या कुछ भी हो, बट नसीब से ये जिम्मेदारी आपकी तरफ ज़्यादा है इस रिश्ते में, पलटा आपका आपकी तरफ जिम्मेदारी का ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब इंसान ट्रांसफॉर्म होकर आएगा ना, तब आप बिलीव नहीं करोगे, तब आप समझेंगे कि ये सब वर्थ इट था। थैंक यू। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।